जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आज आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फलाहार से संबंधित एक रेसिपी और लाई हूँ। वैसे तो साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाना पुडिंग, साबूदाने से बहुत सारी चीजें बन सकती है। मैंने आज आपके लिए बनाया है साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा भी आप अपने घर में बनाते होंगे, आज आप मेरी स्टाइल में बनाए साबूदाना वड़ा। आइए मैं आपको अपने सामान से मिलवाती हूँ। यह है मेरे पास साबूदाना जिसको मैंने भिगो लिया है। इसको अच्छे से आप धोइए। इसको जब हम लोग वॉश करते हैं तो इसमें से आटा निकलता है, वाइट वाइट सा भूरा निकलता है, तो इसको अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आप भिगो दीजिए, कम से कम 4 घंटे भीगे होना चाहिए। ये देखिए, ये साबूदाना भीग के अपनी साइज से डबल हो जाता है जब ये फूलता है। उसके साथ में मेरे पास आलू। तो बेसिकली जितना हम साबूदाना लेंगे, आपने 1 कप कच्चा साबूदाना लिया है तो आपको उसका डबल आलू लेना है। उबला हुआ आलू है ये, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। यानी कि 1 कप साबूदाना तो 2 कप उबला हुआ आलू। ये जो 1 कप साबूदाना है, ये भीगा हुआ, जब ये भीग के फूलेगा तो ये 2 कप हो जाएगा। तो बेसिकली अगर भीगा हुआ साबूदाना लेते हैं, आप नाप लेते हैं, तो 2 कप साबूदाना प्लस 2 कप उबला हुआ आलू। साथ में मेरे पास सिंपल से मसाले, ये है मेरे पास करी पत्ते, 8 से 10 करी पत्ते हैं जिनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये है मेरे पास मूंगफली, जो कि भुनी हुई मूंगफली थी, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आप दरदरा कूट भी सकते हैं इसको। ये 1/2 कप मूंगफली है। ये 3 से 4 हरी मिर्ची है। ये मेरे पास है धनिया। ये है मेरे पास कुछ बेसिक मसाले। ये है मेरे पास सेंधा नमक है। ये है मेरे पास जीरा 1/2 टीस्पून और ये मेरे पास 1 टीस्पून दही। हमें एक अच्छा सा डो बनाना है। तो इस आलू हमारे पास कद्दूकस किए हुए, एक्चुअल में आलू को कद्दूकस करने का मतलब है कि इसमें कोई भी गांठें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास साबूदाना है इसके अंदर मिक्स करने के लिए। ये है हमारे पास साबूदाना, करी पत्ता, मूंगफली, हरी मिर्ची, हम डाल रहे हैं इसमें दही, नमक। नमक आप एक बार टेस्ट कर ले। ये हमारे पास जीरा, बस इन सबको हमें मिक्स करना है। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम लोग इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से। ये बॉल्स बनाते समय ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा दबा के फिर बनाएं, ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना हो, क्योंकि इसके अंदर अगर सॉफ्टली बनाएंगे तो इसके अंदर जो एयर होगी उससे आपका बड़ा फट भी सकता है। ये देखिए, इस तरह से तो इस तरह से प्रेस कर ले अच्छे से इस तरह। आप चाहे तो इसको इस तरह से सिलेंडर की शेप में भी बना सकते हैं। देखिए, ये हमारे सारे बॉल्स बनके तैयार है। अब आप चाहे तो इनको इस शेप में तल सकते हैं, आप चाहे तो इनको सिलेंडर की शेप में तल सकते हैं। हम लोग इसको एक मेदू वड़े की शेप में तलेंगे। तो हमने लिया एक कटोरी में सिंपल पानी, अपने हाथों को कर दिया हमने हल्का सा गीला इस तरह से। ये लिया बड़ा, इस पे हमने इसको हल्का सा प्रेस किया इस तरह से। देखिए, पानी से बस बीचों बीच हमने कर दिया होल। ये देखिए इस तरह से। इसको किनारों को हमें बार बार दबाना और सजाना नहीं है। अगर किनारे थोड़े से फट रहे हैं तो उनको फटने दें, क्योंकि वो बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लिया। देखिए, मैं एक और बनाती हूं इस तरह से। ये लिया हमने, इसको किया हमने हाथ से प्रेस इस तरह से, ये उंगली पानी से। ये देखिए, ये इस तरह से ये बन गया हमारा मेदू वड़ा। इसी तरह से आप सारे शेप्स बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। देखिए, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, टिक्की शेप में बना सकते हैं, सिलेंडर में बना सकते हैं और मेदू वड़ा बना सकते हैं। अब हम लोग तेल फ्राई करने के लिए हमने चढ़ा दिया है, चलिए इसको फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म है पहले से, इसको हम लोग तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज है सारी पहले से तैयार की हुई है। जैसे हमारे पास आलू उबले हुए थे, मूंगफली भुनी हुई थी, कच्चा कुछ भी नहीं था, साबूदाना था, वो इसमें क्रंची हो जाएगा।
और एक साथ आप बहुत सारे साबूदाने के बड़े इसके अंदर ना डालें, क्योंकि ये आपस में चिपक भी सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा होंगे यदि एक साथ तो ये फट भी सकते हैं। देखिए एक तरफ से ये ब्राउन हो गया हल्का सा, इसको पलट देते हैं। इसको बार बार नहीं पलटेंगे, जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तभी दूसरी तरफ से पलटेंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हमारे ये साबूदाने के बड़े। इसको हम लोग टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तैयार है क्रंची, एकदम सॉफ्ट और क्रंची मैदू वड़े, साबूदाने वड़े। देखिए मैं इसको आपको क्रंच करके दिखाती हूँ, आवाज सुनिए। आप इसको हरी चटनी के साथ, दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर बनाएं, बनाकर देखें, खाएं, अपने दोस्तों में खिलाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।